कल हम राम कथा के प्रवाह में चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में राम सीता लक्ष्मण रहने लगे और भगवान राम ने गुहराज को वापस भेजा। अब इसके आगे तुलसीदास जी महाराज हमें अयोध्या की ओर ले चलते हैं कि यहाँ तो इतना सुहावना वातावरण और अयोध्या में शोक का माहौल। ये राम कथा इतनी सरस इसलिए है क्योंकि रस परिवर्तित होता जाता, वो मन एक क्षण को बोर नहीं होता, विभिन्न रस आते चले जाते। भगवान की विचित्र लीला। तो गुहराज जब वापस आया, गंगा जी को पार किया, उसने देखा कि सुमंत्र तो अभी भी रथ के बगल में खड़ा हुआ है, वहां से वापस गया ही नहीं। गुह ने कहा, अरे सुमंत्र, तुमको राम ने आज्ञा दी थी कि वापस अयोध्या जाओ, तुम यहीं पे खड़े हो। और गुह देखता क्या है कि घोड़े इतने उदास हैं। सुमंत्र की क्या बात कहे, वो घोड़े ही शोक मना रहे हैं। घोड़े बार बार गंगा जी की ओर देखते हैं और राम को याद करते हैं, सोचते हैं जब राम बालक थे तो हमारी ऊपर बैठ के सवारी किए, जब युवावस्था में आए तो हमारी ऊपर बैठ के वन गमन करते थे, और जब उनकी बारात आई तब भी हमारे ऊपर बैठे, अब आज हमको छोड़ के जा रहे हैं। वो घोड़े बार बार पृथ्वी में अपने पैर मारते हैं। तो जब घोड़ों की ये हालत है, गुह सोचने लगा कि अयोध्या वासियों की क्या हालत होगी। सुमंत्र ने कहा, को कहा गुह ने कि आपकी ड्यूटी, उनको जाके खबर दो। सुमंत्र ने कहा, मैं चला तो जाऊं किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि वहां वशिष्ठ जी पूछेंगे कि राम की क्या हालत, तो उनकी स्थिति अनुसार मैं उनको बता दूंगा, और दशरथ जी तो शायद बेहोश ही होंगे, कई कई भला किस मुंह से पूछेगी। सुमित्रा वो पूछेगी नहीं, उसने तो सहर्ष लक्ष्मण को भेज दिया। लेकिन मुझे चिंता कौशल्या की है। कौशल्या जब पूछेगी मेरे राम की क्या हालत है, मैं क्या उत्तर दूंगा। तो गुहराज ने बहुत समझाया, अपने भीलों को कहा इनके साथ जाओ। वो भील सुमंत्र के साथ कुछ रास्ता गए। अब सुमंत्र बात मान के और गए तो एक वृक्ष के नीचे अयोध्या के बाहर प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने सोचा कि रात्रि हो जाए तब मैं नगर में प्रवेश करूं ताकि मुझे कोई देख न पाए। लेकिन जब सुमंत्र अंदर आए, नगर के लोगों ने देख लिया, आ गए, भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने पूछा कि राम सीता लक्ष्मण कैसे हैं। सुमंत्र रोने लगे और सुमंत्र को रोते देखकर भीड़ भी रोने लगी। सुमंत्र ने कहा, राजा किधर है, मुझे उनके पास ले चलो। अब लोग ले गए उनको दशरथ जी के पास। तो दशरथ अब आधे बेहोश से थे, विलाप करते जा रहे थे, जब सुमंत्र ने प्रवेश किया तो कौशल्या ने देखा सुमंत्र को। कौशल्या ने कहा, तुम आ गए, रथ भी आ गया, राम सीता लक्ष्मण किधर हैं, रथ के अंदर होंगे, पर्दा बंद है। कौशल्या पागल के जैसे भागी।
पर्दा खोलने के लिए वो किधर है। तो घोड़े पीछे गए, अरे मां कोई लाभ नहीं, यहां पर राम नहीं है। कौशल्या को संकेत नहीं मिला, उसने पर्दा खोला और जब देखा कि राम नहीं है तो वहीं पे बेहोश होके गिरी। अब सुमंत्र पहुंचे दशरथ जी के पास, तो दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र तुम आ गए, राम सीता लक्ष्मण किधर है, स्नान करने गए होंगे, कोई बात नहीं, कपड़े आदि बदल ले फिर यहां पे आ जाएंगे। सुमंत्र ने कहा, महाराज यदि आप हिम्मत रखें तो मैं खबर दूं। दशरथ ने कहा, बताओ। वो पहली रात्रि हम लोग गए तमसा नदी के तट पर, सबने विश्राम किया और मध्य रात्रि राम ने मुझे कहा कि चलो यहां से आगे चलो, तो वहां से हम आगे बढ़े, गुहराज मिला, उसने व्यवस्था की, फिर नदी पार कर गए हम लोग और राम ने मुझे वहां से लौटा दिया। किंतु उससे पहले उन्होंने वट क्षीर अपने केश में लगा के उसकी जटा बना ली, तो वो मैं देख नहीं पाया और उसी कारण से राम ने कहा तुम इतने दुखी हो रहे हो, तुम वापस जाओ। तो दशरथ जी ने कहा, तुमने मेरी आज्ञा नहीं बताई कि मैंने तुमको कहा था 4-5 दिन घुमा के वापस ले आओ। सुमंत्र ने कहा, महाराज बताई तो थी लेकिन राम को धर्म कौन समझाएगा, उन्होंने मुझे धर्म का लेक्चर दे दिया और लौटा दिया। तो दशरथ ने कहा, इसका मतलब अब राम नहीं आएगा। तो ये जब दशरथ जी ने निश्चय कर लिया, उन्होंने कहा अब मैं जीवित नहीं रह सकता, तो अपने सिर को वो जमीन पर दीवार पर मारने लगे, राम राम। कौशल्या ने देखा कि ये ठीक नहीं हो रहा है। कौशल्या ने बहुत बढ़िया बात कही। कौशल्या ने कहा, महाराज आप धैर्य रखिए, ये राम विरह एक समुद्र के समान है, अयोध्या जहाज है उस समुद्र में जिसमें सब अयोध्यावासी बैठे हैं और आप उस जहाज के नाविक हैं। अगर नाविक हिम्मत नहीं रखेगा तो बाकी सब यात्रियों की क्या हालत होगी। दशरथ ने कहा, नहीं अब मैं जीवित नहीं रह सकता, ये सब मेरे ही कर्मों का परिणाम है। अब दशरथ जी को श्रवण कुमार, उसके माता पिता दिखने लगे। दशरथ जी ने कहा कि ये मुझे जो श्राप मिला था उसका ही परिणाम है, तो राम राम चीखते चिल्लाने लगे। कौशल्या ने सबसे कहा, ये लगता है अब सूर्यवंश का सूर्य जल्द ही अस्त होने जा रहा है, कोई यहां से न जाए। और देखते ही देखते दशरथ जी चिल्लाए कि बिना अपने राम के ये जीवन व्यर्थ है, और 6 बार राम का नाम लेके अपने प्राण शरीर त्याग दिया।